कुमार साहब के जाने से सिनेमा और अभिनय की दुनिया में एक युग की, एक सदी की समाप्ति हो गई। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अभिनय सम्राट के निधन से शायद देश का अभिनय अनाथ हो गया। दिलीप साहब एक पूर्ण अभिनेता थे, एक ऐसी शख्सियत जिनकी बगल में चुपचाप कुछ देर बैठने से भी एक एक्टर एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीख सकता था। उनकी फिल्में देखकर, उनकी एक्टिंग देखकर हिंदुस्तान का हर कलाकार, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सुपरस्टार, एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ जान पाया। उनकी एक्टिंग की छवि कहीं ना कहीं आपको हर कलाकार में देखने को मिल सकती है। वो एक्टिंग का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन थे। उनके जैसा पूर्ण कलाकार न कभी आया है, न कभी आएगा और न कभी आया था। ऑन ए पर्सनल नोट, आई लॉस्ट अ मेंटोर, अ फ्रेंड, अ गाइड एंड एन एक्टिंग गुरु। मैंने स्कूल से भागकर पहली फिल्म जो देखी थी वो गोपी थी, और मुझे याद है कि टिकट खरीदने के चक्कर में भीड़ में अपनी नाक भी तोड़वा ली थी, लेकिन मजा ले, खून बहता रहा, लेकिन तब भी मैंने फिल्म अंत तक देखी। मैंने मधुमति तकरीबन 18 बार और राम और श्याम 40 बार देखी है। फिल्म कर्मा के सेट पर जब उनसे पहली बार मुलाकात हुई तो मैं तकरीबन एक घंटे तक उनको ताकता रहा, यहाँ तक कि सुभाष घई साहब मुझे किनारे पर ले गए और बोले कि भाई तू मेरी फिल्म का विलन है, ये दिलीप साहब को ऐसे प्यार से घूरते रहोगे तो मुश्किल हो जाएगी। मैंने उनसे कहा था कि सर, जिस शख्सियत की वजह से मैं फिल्मों में आया हूँ उनको एक घंटा तो क्या, मैं तो ताउम्र घूर सकता हूँ। मेरे पहले शॉट के बाद जब दिलीप साहब ने सुभाष घई साहब से कहा कि लाले ये तो बड़ा डेंजरस एक्टर आया, ही विल गो फार, तो मुझे लगा कि अब तो मुझे एक्टिंग का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है और अब मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मुझे उनके साथ 4 फिल्मों में काम करने का मौका मिला और मैंने उनके साथ बहुत वक्त गुजारा। मैं उनसे इतने सवाल करता था, दिलीप साहब आपने उस फिल्म में कैसे एक्टिंग की, उसमें कैसे हंसाया, उसमें कैसे रुलाया, कि एक दिन वो हंसकर बोले और शायद तंग आकर भी, या तू बंदा है या बंदर। दिलीप साहब आज आप शारीरिक रूप से हमसे दूर चले गए हैं, पर आप तो हिंदुस्तानी फिल्म जगत की आत्मा, और आत्मा अमर होती है। आने वाली सदियों में जब भी भारत का कोई भी कलाकार एक डायलॉग बोलेगा या एक्टिंग का एक भी एक्सप्रेशन देगा तो हमें उसकी एक्टिंग में आपकी झलक जरूर नजर आएगी। मेरे नाटक कुछ भी हो सकता है मैं, जिसका पहला शो 2005 में दिलीप साहब देखने आए थे, उसमें एक लाइन है उनके बारे में, दिलीप साहब जैसी सूफियाना शख्सियत ऊपर वाला इस दुनिया को बहुत कंजूसी से बख्शता है, हम सब आपके मुरीद हैं, अलविदा और शुक्रिया दिलीप साहब। एंड सायरा जी, ए वार्म एंड अफेक्शनेट हग टू यू, नेशन इज विद यू इन दिस ग्रीफ एंड इन योर सेंस ऑफ लॉस। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, ओहो हो हो। Thank you.